सब्सक्राइब कीजिए भक्ति बिहार यूट्यूब चैनल को और देखते रहिए इसी तरह का भक्ति वीडियो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही पर अंत राम कह आवत नाही। संत जिसका मरते समय नाम लेने को तरसते हैं, उन परमात्मा को जो छाती से चिपका करके अपना शरीर त्याग रही है, उसे अब पापनी कौन कह सकता है। पूतना के जीवन में एक भी सदगुण नहीं था, फिर भी गोविंद उस रीझ गए और एक गुण निकाल लिया। कौन सा? बोले स्तनम दत्वा पसदगति। भगवान बोले बुरी भली जैसी भी हो पर मेरी तो मौसी है, और मौसी मतलब माँ जैसी, और काम भी फिर माँ जैसा ही किया है। अभी तक मैया दूध पिलाती थी, आज मौसी ने दूध पिलाया है, तो काम तो मैया जैसा किया है और रिश्ते में मौसी है, तो गति भी इसको माँ जैसी ही मिलनी चाहिए। इसलिए भगवान ने ले भे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम्बा दयालु शरणम ब्रजे। मैया जैसी गति मौसी को प्रदान कर दी, कम्बा दयालु। बोलो ऐसा दयालु दुनिया में दूसरा कौन हो सकता है। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं जो भी इस पूतना मोक्ष की कथा को प्रेम से कहेगा और सुनेगा, उसका फल यह है गोविंदे लभते रतिम। इस कथा को सुनने से गोविंद के चरण कमलों में अनुराग बढ़ता है, प्रेम प्रदायक ये प्रसंग है। अब एक दिन की बात, मैया ने लाला को दूध पिला के और बड़े प्यार से काजल डिठौना आदि लगा के नवा धुआ के और पालने में पौड़ाई दिए। लाला सो गए तो मैया को लगा कछु घर को काम निपटाऊं, तो जैसी खड़ी वही, तब तक लाला ने सोते सोते एकदम करवट बदल ली। मैया ने पहली बार लाला को अपने आप करवट बदलते देखा तो खुशी के मारे नाचवे लग गई। अरे छोरा मेरो बड़ो है गयो, आज तो अपने आप ही आने करवट बदल ली, भाई मैं तो आज गीत गवाऊंगी। तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगवाई दुहाई, भाई सबसे कह दे कि बधाई गावे आ जाए। अरे मैया वो तो ठीक है पर काय बात की बधाई। मैया बोली कह दीजो कि मेरे छोरा ने करवट बदली है, तो करवट बदलवे के गीत गवाऊंगे। ठीक है मैया। नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगवा दी, गोपियां ले ले बधाई दौड़ी दौड़ी चली आई। अरे जसोदा बहन करवट बदलवे की बधाई होए। मैया बोली बहनाओ सबन को बार बार बधाई है, पर ज्यादा हल्ला मत मचाओ, छोरा अभाली सोयो कच्ची नींद जग जाएगा, रोवेगो पर तंग करेगो। गोपियां बोली तो हमें काय को बुलायो है, हमका खड़ी खड़ी देरो मुंह देखेंगी यहाँ। अरे जब आई है गाएंगी बजाएंगी नहीं तो काय बाज की बधाई। मैया बोली बहन तुम दो मिनट रुको, मैं याकू कहीं शांति से सुवाय दूं, फिर तुम हल्ला चाहे जितनों मचाती रही हो। तो मैया ने सोते हुए लाला को पालनो उठा लियो और आंगन के बाहर एक बैलगाड़ी रखी थी, वह गाड़ी के नीचे पालनो लटकाई दियो और ग्वालन को बुला के मैया बोली छोरा हो ये गाड़ी के आसपास यहीं खेलो, छोरा जग जाए वैसी तुम मुकू खबर कर दीजो। ठीक है मैया। अब ग्वाला खेलने में मस्त और इधर गोपियां ताता थैया नाचवे लगी और मंगल गीत गावे लगी बधाई के। क्या गा रही है चलो अपनों गा लो। पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे। हिरख श्याम सूरत न फूली समावे, हिरख श्याम सूरत न फूली समावे, पलना में जय हो, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में
पलना में ललना, पलना में ललना झूला में जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झूला में जसोदा मैया, पलना में ललना। बधाई हो। बोल नंद के लाला की जय। अब जैसी गोपियों ने गाना बजाना नाचना कूदना प्रारंभ किया, हल्ला मचाओ लाला जग गए। लेटे हुए लाला की नींद खुली, आंख मीट के चारों तरफ देखा, मन में विचार किया, वाह गीत हमारे लिए गाए जा रहे हैं आंगन में, और जाके निमित्त गीत गाए जा रहे हैं वो लटक रहे हैं बाहर गाड़ी के नीचे।
भाई गीत हमारे उत्सव हमारा, तो हमको ही घर के बाहर क्यों लटका दिया। चलो भीतर चलते हैं, पर चलें कैसे, अभी चलना फिरना तो सीखे नहीं है, अब कैसे सम्मिलित हों। तो प्रभु को लगा चलना तो नहीं आता, चलो ये कई उपाय है कि बालानाम रोदनम बलम, बच्चन की ताकत है रोना, रोबे लग जाऊं सोई मैया उठा के ले जाएगी, यही उपाय है। ऐसा विचार करके रोना चालू कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं गला फाड़ के रोते रहे पर काऊ ने ना सुने, गोपियां गाने में मस्त, ग्वाला खेलने में व्यस्त। नई बाणोद वही रुदितम सुतस्य सा रुदम स्तनार्थी चरणक्षिपत। हाथ पैर फटकार रहे हैं, गला फाड़ के रो रहे हैं, मुंह लाल पड़ गए, रोते रोते पर काऊ ने ना सुने। भगवान को बहुत बुरा लगा, बताओ इनके लिए हम बैकुंठ छोड़ के आए, इनके बगल में पड़े पड़े रो रहे हैं, फिर हमें कोई देखे ही ना है, अब क्या करें। अचानक रोते रोते गाड़ी पर दृष्टि गई, तो जिस गाड़ी पर लटके थे पालने में उसी पर सकटासुर सकट रूप बना के ही आया हुआ था, असुर था। भगवान पहचान गए, ओहो मामा जी ठीक मौके पर आए। मन में माधव मुस्कुराए और घुमा करके एक लात जमाए, और जो लात पड़ी सो धम्म से टूट गई गाड़ी, और सकटासुर भी गोविंदाय नमो नमः। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब्सक्राइब कीजिए भक्ति बिहार यूट्यूब चैनल को और देखते रहिए इसी तरह का भक्ति वीडियो। जो गाड़ी टूटी, मटका फूटे, धमाधम की आवाज, भाई मैया गाना बजाना सब छोड़ के भागी, ये आवाज कैसी आई। बाहर आके देखे टूटी गाड़ी, अब मैया चिल्लाई, मेरो छोरा कहाँ गयो, मेरो लाला कहाँ गयो। ग्वाला भाग के आए और लाला को गाड़ी के नीचे से पालने में निकाल करके मैया की गोद में दिए, मैया ने छाती से लगाए लिए। जब मैया का दूध पीने लगे तो मैया की जान में जान आ गई, भगवान की कृपा से छोरा को कोई चोट तो ना लगी, ठीक ठाक ही है। पर बड़े गजब की बात है भाई, आंधी तूफान कोई आयो ना है, बैल सांड कोई अभी निकरो ना है, तो धरी धरी धम्म से गाड़ी टूट कैसे गई। तब तक दो छोरा भागे भागे आए छोटे छोटे, मैया हम बताएं, बेटा बताओ, और ई मैया तू गायबे में लगी और ये सब खेलबे में लगे, और तेरो लाला अचानक रोबे लगो। फिर पर मैं याते बोलो कि भैया छोरा जग गए, चलो याकू मैया की गोद दे आए, मैया कह के गई थी, बस हम दोनों ये कह कर के तेरे लाला को लेवे आवे ही बारे थे, पर हमारी आंखन के सामने तेरे छोरा ने रोते रोते गाड़ी में भो लात मारी का दम से उड़ गई गाड़ी। मैया बोली दारी के, और कहीं भांग पी के तो ना चले घर से, या नेग से छोरा ने इतनी जोड़ की लात मारी के गाड़ी आकाश में उड़ाई दी, भाग आते। अरे मैया तेरे सिर की सौगंध खा रहे हैं, हम आंखन देखी बात बता रहे। मैया बोली आंखन को इलाज करवाओ, ये पागलन जैसी बातें मुंह मत सुनाओ, मैया नेक भी मानवे को तैयार ना है। अब मैया का कोई भी ना मान सके या बात को कि कल के छोरा ने लात मार के गाड़ी तोड़ दी। मैया ने छोरन को डांट के भगाई दिए, पर नते श्रद्धा धरे गोपा बाल भासे चमित्युत। सुखदेव जी कहते हैं सभी भीड़ इकट्ठी हो गई और सभी के मुख से एक ही बात निकलती है कि देखो इन बच्चों की बातें सुनो, कैसे पागलों जैसी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं या नंद के लाला ने नेक से ने लात मार के गाड़ी तोड़ दी, आकाश में उड़ाई दी, सब बच्चों का मजाक उड़ाने लगे। अंत में मैया तो ब्राह्मण उनको बुला के गृह शांति करावे लग गई, महाराज मेरे छोरा की अलाय बलाय सब दूर रह जाए, कहां कहां के संकट आ रहे हैं लाला के ऊपर। ब्राह्मण सब आशीर्वाद दे के चले गए। एक दिन की बात, मैया बड़े प्यार से लाला को गोद में लेके स्तन पान करा रही थी, तो मैया का दूध पीते पीते भगवान ने तिरछी निगाह से देखा कि तृणावर्त तूफान बन के चला आ रहा है, भयंकर चक्रवात का रूप बना करके। प्रभु समझ गए, मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो मेरे ताई। अब या उड़न खटोला पे हम कैसे बैठे उड़े, तो भाई भगवान ने धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाया, थोड़ी देर में इतने भारी हो गए वजनदार कि मैया को गोदी लेना मुश्किल हो गया। भूमौ निधाय तम गोपी
विस्मिता भार पीड़िता। जब बहुत भार लगा तो भूमऊ ने धाय धरती में बैठा दी और मैया आंखें फाड़ के देखने लगी, मेरो फूल जैसो हल्को फुल्को छोरा मुकू, आज इतनो भारी भारी वजनदार क्यों लगे भाई। माधव मुस्कुरा के मैया को देखने लगे और माधव की मुस्कान ही तो माया है। मैया मोह गई, हंस के बोली, अरे समझ गई, दो घंटा से बैठी बैठी छोरा को दूध जो पिवा रही हूं, मालूम पड़े छोरा ज्यादा दूध पी गया सो भारी है। अब बताओ दूध पीवे से छोरा भारी है जाए? और मैया के जम गई बात, लाला रे अब थोड़ी देर तू खेल कूद के दूध हजम कर ले, बाद में गोद लूंगी। और यूं कह के आंगन में खेलता छोड़ के मैया भीतर चली गई। मिल गया मौका तृणावर्त को, तूफान जो आ रहा था कंस का भेजा हुआ बेग से एकदम आया और उठा करके कंधे पर बैठा के आकाश में उड़ा के ले गया। भगवान भी उड़े चले गए और पूरा ब्रजमंडल देख लिया वाके कंधे पर बैठ के घूम फिर के। क्यों? बोले आगे चोरी जो करनी है, चोर वही कुशल है जाकू गली गली को ज्ञान होए। तो पूरा ब्रजमंडल घूम लियो वा तृणावर्त की पीठ पर, और जैसी ब्रज के बाहर निकलने लगा सोई भगवान ने गर्दन दबा के वजन इतना बढ़ा दिया कि तृणावर्त घबरा गया, पीछे मुड़ के देखने लगा जल्दी जल्दी में कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया, बच्चा है कि पहाड़ इतना भार। पीछे मुड़ के देखा, भगवान ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख मेरे भक्त पत्थर में मुझको देखते हैं और तू मुझ में पत्थर को देख रहा है, चल तेरी खोपड़ी पत्थर से ही पटकूं। तम अंतरिक्षात पतितम शिलाया, सिर पकड़ के भगवान ने शिला पर उसको लाके पटका और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। बुलबंसी वारे की जय। भगवान के द्वारा तृणावर्त का उद्धार हुआ और तूफान भी तत्काल शांत हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार से भगवान ने इन असुरों का खेल ही खेल में उद्धार कर दिया। अब भगवान तो इधर बाल लीला कर रहे हैं और उधर वसुदेव जी घर में एक एक दिन गिन रहे हैं, आज मेरो लाला एक साल को है गयो होगो, अब भगवान जाने बा को का नाम रखो होएगो, क्यों ना मैं अपने प्रोज जी से ही नाम रखवाऊं। तो गर्गाचार्य जी के पास वसुदेव जी चुपचाप गए और एकांत में बोले, महाराज जी आप तो सारी बातें जानो, मेरी आपके चरणन में प्रार्थना है कि आप हमारे पुरोहित हो, मेरे चोरन को नाम आपके श्री मुख से है जाए तो मैं धन्य है जाऊं। कहाँ है? बोले चले जाओ गोकुल में नंद भवन में, पर काउगे भनक ना पड़ना चाहिए ये ध्यान रखिए। ठीक है बाबा चिंता मत कर। गर्गाचार्य जी गुप्त रूप में गोकुल पहुंच गए, जैसी नंद भवन में प्रवेश किया नंद बाबा ने खड़े होकर स्वा, अरे आओ आओ महाराज आओ, भाग्य हमारे आप जैसे संत पधारे। महाराज एक निवेदन करवो चाहूं। हाँ कहो बाबा। स्वागत सत्कार करके जब बैठा लिए तो नंद बाबा बोले, महाराज आपकी कृपा से मेरे घर में दो छोरा है, एक रोहिणी को है दूसरो जसोदा को, पर जसोदा के लाला ने जब से जन्म लियो है आपके ऊपर बड़े बड़े संकट आ रहे, पैदा होवे की छोरा को देर ना भई के पूतना उठा के ले गई, गजब की बात ये रही कि अपने आप गिर के मर गई, एक दिन गाड़ी टूट के छोरा के ऊपर गिर गई, एक दिन तूफान में उड़ो चलो गयो, तो कृपा करके ये बताओ मेरे छोरा पे कौन सी साढ़े साथी चल रही है या कि कौन सी ग्रह दशा है ये बताओ। गर्गाचार्य जी बोले, हम सब बताएंगे, छोरा लेके आओ। तो नंद बाबा ने भीतर खबर करी, अरी महर भाग्य खुल गए, बड़े भारी विद्वान गर्गाचार्य जी आए, जल्दी से छोरन को तैयार करके ले आओ, महाराज जी आशीर्वाद देंगे आज। दोनों माताएं तुरंत अपने अपने छोरन को सजा धजा करके गोद में लेके चल पड़ी, चलो महाराज जी को आशीर्वाद ले आओ। परंतु रोहिणी जी बोली, बहन जसोदा या पंडित को बहुत नाम सुन रहा को है। सब्सक्राइब कीजिए भक्ति विहार यूट्यूब चैनल को और देखते रहिए इसी तरह का भक्ति वीडियो।